हेलो फ्रेंड्स, माया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे, तो ही आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलेगा। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी का पोशाक बनाना सिखाऊंगी, इस तरह का। ये मैंने कैसे बनाया है वो आपको मैं दिखाऊंगी, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। लड्डू गोपाल जी का पोशाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऊन ली है, अलग अलग रंग की। ये मैं 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी का पोशाक बना रही हूँ। ये पोशाक बनाने के लिए हमें पहले इसका माप लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का माप ले ले रही हूँ। आपके लड्डू गोपाल जी का जितना माप है उतना ही आप ड्रेस बना सकते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी के माप से हिसाब से बना रही हूँ। आप इस तरह से भी माप ले सकते हैं, कपड़े पर भी रख सकते हो और नाप इस तरह से भी आप ले सकते हैं। ये डिजाइन बनाने के लिए मैंने पहले राउंड बना लिए थे, तो पहले हम राउंड बनाएंगे कागज़ में। पहले कुछ इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है, देखिए इस तरह से। देखिए अंदर का मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है, इस तरह से हमें पूरा राउंड शेप में कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ किया है, इस तरह से आप पान बना लीजिए पूरे राउंड में। और यहाँ पे इस तरह से मैंने त्रिकोण बना दिया है, इस तरह से। अपने हिसाब से कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। मैंने गामठी वर्क बनाया है वो आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने पूरा डिजाइन बनाया, ये कमर का माप लिया है और इतना ही मैं काटूंगी, इससे ज़्यादा काटती नहीं हूँ। तो ड्रेस का फिनिशिंग अच्छा आता है जब हम लड्डू गोपाल को पहनाते तब। अब हम कपड़े पर करेंगे, तो मैं कपड़ा बिछा दिया है। अब लगा देंगे हम ये कैनवास पेपर, बाद में रखेंगे कागज़। और इस तरह से हमें ड्राइंग करना है ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। वैसे ही मैंने वो ड्रेस की डिजाइन बनाई है, अपने हाथ से ही बनाई है। मैंने यहाँ पे थोड़ा डिजाइन बना लिया है, अब हम वर्क करेंगे। मैंने सिंगल धागा रखा है, डबल नहीं रखा है, सिंगल रखा है। अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे, तो मैंने कुछ इस तरह से बॉर्डर बनाई है, आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे बनाई है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने वो बॉर्डर बनाई है, इस तरह से। देखिए दोनों के बीच में हमें सुई रखना है, धागे के बीच में सुई रखना है और ऐसे निकाल देना है, बस। बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी हमें करनी है। आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने एक कली बनाई, एक कली का भी मैंने वीडियो बनाया। इनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप वहीं से देख लीजिएगा। इस तरह से हमें दोरी, मतलब लाइन हमें बनानी है, इस तरह से। आप देखिए बहुत ही सरल तरीका है लाइन बनाने का। सादा वर्क भी कहते हैं। देखिए मैंने लाइन बना ली है, अब हम इसमें रंग भरेंगे, मतलब उनकी ब्लू रंग की हम इसमें डालेंगे। बहुत ही सरल तरीका है, मैं आसान तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमें ये पूरा वर्क बनाना है।
तो धागा हमें ऊपर ऊपर की तरफ ही रखना है, नीचे धागा नहीं करना है। और इस तरह से हमें सुई को चलाते रहना है। देखिए बन गया, अब हम यहाँ से सुई को निकाल देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ब्लाउज, ड्रेस, साड़ी में कहीं भी रख सकते हैं इसको। अब हम पान बनाएंगे, तो मैंने कुछ इस तरह से पान बनाया है। इसको सादा वर्क भी कहते हैं, गांठी वर्क भी कहते हैं। इस तरह से आपको बनाना है, बहुत ही सरल और आसान तरीका है ऐसे बनाने का। और लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं तभी तो बहुत सुंदर दिखते हैं। आप भी अपने घर पर इस तरह का बनाइएगा आपके लड्डू गोपाल जी के लिए। अब हम बीच का बनाएंगे। देखिए मैंने तीनों अलग अलग जो थे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस में वो आपको यहाँ पे दिखाया। देखिए ये वाला और ये वाला, ये तीनों मैंने आपको दिखाया। वैसे मैंने इसको भी बनाया है, यहाँ पे मैंने स्टोन लगा दिया है। और ये पम पम भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। इनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूँगी, आप वहीं से देख लीजिएगा कि किस तरह से ये पम पम बनते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पूरा वर्क बनाया है लड्डू गोपाल जी का ड्रेस, और फिर मैंने कैनवास में चिपका दिया है। और यहाँ पे मैंने वेलक्रो लगाया है, मैं पूरा काटती नहीं हूँ, पहले पहना देती हूँ और बाद में इसको यहाँ पे इस तरह से बंद कर देती हूँ, चिपका देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पूरा ड्रेस बनाया है। देखिए मैंने चोली उसकी ऐसी कुछ बनाई है, तो ये मैंने चोटी बना के यहाँ पे फेविकोल से चिपका दिया है। और ये बांध कमर में बांधने का मैंने धागा रख दिया। इस तरह से मैं इन्हीं के साथ पहनाती हूँ। तो आप भी इस तरह से आपके लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बना सकती है। इनके लिए मैंने मुकुट भी इस तरह का बनाया है। ये मुकुट भी मैंने कैसे बनाया है उसका वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ रख दूँगी, आप वहीं से देख लीजिएगा। देखिए एक मैंने ऐसा भी बनाया है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप ऐसे ड्रेस अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। एक मैंने ऐसा भी बनाया है, इनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगी, आप वहीं से देख लीजिएगा। आपको मैंने ये ड्रेस की डिजाइन दिखाई और कैसे बनाते वो भी मैंने दिखाया। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।